थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ रखिए, आपने बड़ी मेहरबानी, आपकी स्टेज पे आने का बहुत शुक्रिया। एक हमारे बहुत काबिल एहतराम जिनको बहुत ज़्यादा हम प्यार भी करते हैं, मियाँ राशिद फर्जंद साहब, उन्होंने भी बड़ा ताबन किया है। बर आमला का हम बड़ा मशहूर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ बायो आमला, उनकी भी बड़ी हमारे साथ मोहब्बत है, उनके लिए जोरदार तारीफ रहेगा। ये भी खुश है ग्रेस कॉस्मेटिक्स के रूए रमा, ये भी बड़े मुस्तहक हैं कि इनको बहुत इज्जत देनी चाहिए हमारे इस बड़े काम के लिए, उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मालिक आसिफ साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब मालिक आसिफ साहब, ग्रेस कॉस्मेटिक्स। हम अवार्ड का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सहाफत के शोबे से मुंसलिक जिनकी सुबह शब रोज लोगों की प्रेजेंटेशन में गुजरती है और वो आर्टिस्टों को अपने कैमरे के जरिए अपनी अल्फाजी के जरिए लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, बड़ी खूबसूरत हमेशा उनकी कवरेज रही है। मैं सबसे पहला जो सहाफत के शोबे में अवार्ड है गिव अवे कर रहा हूँ, जोरदार तालियों में तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें, दिलदार अवार्ड ज़ैन मदनी हुसैनी। आपको मदनी बहुत बहुत मुबारक हो, आप इस बात के मुस्तहिक हैं कि आपने आर्टिस्टों को बड़ी अच्छी कवरेज दी है, मीडिया है जिससे लोगों तक आसानी से आप पहुंचते हैं, आर्टिस्टों की बड़ी हौसला अफजाई की है इन्होंने। माजुदीन हजरा फिर एक सहाफत के शोबे में एक बड़ी आला शख्सियत जिन्होंने अखबार जहां में, अखबार जहां आपको पता है कि हमेशा से आर्टिस्टों का ये फेवरेट मैगजीन रहा है, जब किसी आर्टिस्ट की अखबार जहां में कोई रिपोर्ट आती थी या कवरेज होती थी वो बड़ा खुश हो जाता था कि मेरे एक बड़े मैगजीन में एक मेरी कवरेज आई है। मेरा भी पहला इंटरव्यू इन्होंने किया था, मैं बड़ा मुस्तहक हूँ, हमेशा शक्त फरमाते हैं, अल्लाह मियाँ इनको कामयाबियाँ कामरानियाँ और खुश खुरम रखे और सेहत और सलामती के लिए सलामती के साथ सलामत रखे। जनाब ठाकुर लाहौरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बेस्ट रिपोर्टिंग अखबार जहां अवार्ड ठाकुर लाहौरी। जी सर, बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इजाजत से मैडम निशा बेगम तशरीफ लाई हैं, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत, वेलकम मैडम जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपको वेलकम कहते हैं, मैडम निशो इधर आपको वेलकम कहते हैं, जिराफ साहब यूँ ये नहीं जा रहे, ठीक है साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मियां फराज आपका बहुत शुक्रिया। ये मियां फराज जो है ये कई सालों से ये अवार्ड करवाने की ख्वाहिश था, कोशिश भी था, आइए कामयाब हो गया, इसके लिए बहुत सारी और ये पहला अवार्ड है, ये मैंने से कहा था कि इसको अवार्ड लेने देना, ये ना करना कि इसको, आजकल अवार्ड का मौसम है, हर शख्स अवार्ड अवार्ड खेल रहा है,
तो मैं चाह रहा था कि शायद कभी मैंने तो भी मना किया था मुझे अवार्ड ना दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ना बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अवार्ड अवार्ड वाले को हकदार को मिले, ये ना हो कि सबको अवार्ड दे दें जो आगे अवार्ड दे नहीं है। एक वक्त तो था मैडम बैठ गई यहाँ पे कि अवार्ड की एक इज्जत होती थी, एक एहतराम होता था, जिसको मिलता था वो कहता मुझे अवार्ड मिला। अब तो वो अवार्ड में से मैं आपको क्या कहूँ, मेरी बहनें बेटियाँ सब बैठी हैं यहाँ पे, तो बस हाँ बस यही है कि बस कोशिश कीजिए लोगों के लिए जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने बेड़ा बनाया अपना दिलदार साहब के हवाले से, मुझे बहुत सारी बातें शेखी साहब बताते रहे थे, और इन्होंने अपने घर में बहुत बड़ी एक तस्वीर भी लगाई हुई है, अपनी मोहब्बत का सबूत इन्होंने दिया हुआ है दिलदार साहब से, और सबके लिए और इनके लिए और दिलदार साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक अवार्ड और दे देते हैं अपना फराज अकरम साहब, एक अवार्ड मैंने एक और देना है हजरा, एक और बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं बड़ा मशहूर हूँ। समा एक अच्छा चैनल है और इस चैनल पे एक बहुत प्यारा मेरा भाई छोटा, इसने जब भी शपथ फरमाई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, और वो इस बात को मुस्तहक है जिस तरह ठाकुर लाहौरी साहब ने कहा है कि हमने किसी ऐसे ऐरे गहरे को अवार्ड नहीं दिया, ये अवार्ड एक बहुत बड़े शख्स का अवार्ड है और उन्होंने भी बड़ी शक्त फरमाई हुई है, लेकिन हम उन लोगों को देते हैं जो मुस्तहक है, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। बिल्कुल सोच समझ के मैं ये बात कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ हम बिल्कुल जेन्युइन लोगों को हमने चूज़ किया है। तो बेहतरीन शो बिज रिपोर्टर समा न्यूज अवार्ड हासिल करने का तशिना जनाब कुर्बान प्री स्प्रिंटर का। आपको बड़ी मुबारक हो माय प्रिंस, थैंक यू मेरी नाम, थैंक यू, मुबारक हो। मैं मलिक आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्लीज थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तावन का भी बहुत शुक्रिया। तो अभी एक गाना जो है वो चल रहा है, सारी कमियां पूरी करेंगे। इसका एक वीडियो है कि जब नैयर साहब की जो दोस्ती है उसका तकाजा यूं पूरा होता था कि जब नैयर साहब स्टेज पे ये गाना गाते थे तो दिलदार में भट्टी साहब उसके साथ परफॉर्म करते थे, तो ये दोनों का जो परफॉर्मेंस का स्टाइल था वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। तो अल्लाह ताला नैयर को भी, नैयर साहब को भी ग्रीक रहमत करे, वो भी बहुत प्यारे इंसान थे, बड़ा इंसानियत के तकाजे पूरे किए उन्होंने, बड़ी सॉफ्ट तबीयत के मालिक थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आवाज़ भी बड़ा खूबसूरत दिया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा काम किया है, इतनी खूबसूरत आवाज़ हमसे बिछड़ गई चली गई।